अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने पाई की लास्ट चार स्टेप्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो और पाई के वाई सी वेरीफिकेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे 3-4 घंटों में कंप्लीट किया है। तो पहले कंप्लीट नहीं था और 3-4 घंटों के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया और वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने कैसे अपनी पाई कॉइंस सेल करने और किस को सेल करने और किस तरह स्कैमर से बच के रहना है, तो इस वीडियो मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आप लोगों को मेरी हर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस आसानी से मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो की सारे स्टेप्स फॉलो किया है तो आपको भी बहुत ही जल्द केवाईसी वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो मैं आप लोग के सामने ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करूंगा। गो केवाईसी पर क्लिक करना है तो ये आप लोगों को डायरेक्ट पाई ब्राउज़र में ले जाएगा। तो पाई ब्राउज़र में ये केवाईसी पर ले जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आके आप लोगों को ये एक पेज दिखाएगा। इसमें आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और फिर आप लोगों ने इस 3 टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे आईडी टाइप है तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स एंड कंडीशन है तो ये आप लोगों ने एक्सेप्ट करने हैं, आई एग्री और ये भी आई एग्री। तो लेट्स गो पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट 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 पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने अलाउ पर क्लिक करना है, आई एम रेडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर लेनी है। तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली लेनी है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर एक और पेज ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आईडी नंबर के बाद आप लोगों ने एक्सपायरी डेट लिखनी है अपनी आईडी की और फिर यहाँ पर नीचे आप लोगों ने अपनी एड्रेस लिखनी है, सिटी लिखनी है और अपनी प्रोविंस और फिर उसके बाद जिप कोड। तो जिप कोड आप लोग अपने गूगल क्रोम से भी फाइंड कर सकते हैं अपनी सिटी की। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और स्टेप दिया जाता है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फेस वेरीफिकेशन करनी है। एक आप लोगों ने सादा पिक्चर लेनी है और दूसरे आप लोगों ने अपने स्माइली पिक्चर लेनी है। तो आप लोग फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग अपनी पिक्चर ले लें। तो ये स्टेप भी बहुत जल्द हो जाती है। तो फिर इसके बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर ले, अगर आपको कोई गलती नज़र आ रही हो तो आप लोग फिर से एडिट पर क्लिक करें और वहाँ पर सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट एंड पे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर येस डेटा इज एक्यूरेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर तो फिर इसके बाद सी स्टेटस पर क्लिक करना है और अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना है कि आपका केवाईसी रिजल्ट कब आता है। तो मुझे तो बहुत जल्द मिल गया था, अब मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो ये यहाँ पर मेन नेट पर आना है, मेन नेट चेकलिस्ट पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 5th जो स्टेप है ये कम्प्लीट हो चुके हैं। अब वेट करते हैं रिजल्ट के लिए। तो ये भी बहुत जल्द कम्प्लीट हो जाता है। तो मुझे बहुत जल्द केवाईसी रिजल्ट मिल चुका है। तो आप लोगों ने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, मेन नेट पर क्लिक करना है और मेन नेट चेकलिस्ट में जाना है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यह रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर आप लोगों ने 7th स्टेप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आ जाना है, नीचे आप लोगों ने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और आप लोगों ने अपनी 24 वर्ड्स का जो पास फ्रेज है आप लोगों ने वो पेस्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेफ जगह पर आप लोगों ने इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो मैंने इसे सेफ जगह पर रखा है, तो आप लोगों ने भी इसे सेफ जगह पर रखना है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने ये पेस्ट करना है और साइन पर क्लिक करना है। तो ये भी कम्प्लीट हो जाता है, डायरेक्ट ये कम्प्लीट हो जाता है। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है और लास्ट वाला स्टेप मैंने आपको बताया कि 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोग पाई सेल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और रब्ता करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले वॉलेट में जाना और वहाँ से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सेंड करना है। तो अगर आपके पास पाई वॉलेट में आ चुके थे तो मैं आप लोगों से वो बाई कर सकता हूँ। तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि पाई का प्राइस थोड़ा नीचे आ चुका है, तो आप लोग अगर बेचना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी और को भी बेचना चाहते हैं तो मैं एक बात बता दूँ कि
मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए और आप लोग उसे पाई सेंड कर देंगे लेकिन आप लोगों को वो पेमेंट नहीं देंगे। तो आप लोग अगर मुझे सेल करना चाहते तो मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल पेमेंट सेंड करूँगा, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई मसला आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नीचे दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।